बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साइमा खालिक हूँ और हम यहाँ पर सारे एफए एस्पिरेंट्स हैं। हमारे जो एग्ज़ाम जो हुआ था वो मार्च 2022 में हुआ था, जिसका एडवर्टीज़मेंट दिसंबर 2020 में हुआ था निकला था, और दो साल के गैप में फिर हमारा फाइनली एग्ज़ाम हो गया। तो उसके बाद एक महीने के बाद अप्रैल में हमारा मेरिट लिस्ट निकला, जिसमें हम सारे जो भी यहाँ पर हैं सारे सेलेक्टीज़ हैं। उसके बाद हमारी डीवी भी अच्छे से हो गई और उसके बाद जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें एलजी साहब ने बोला था, जब उन पे वो स्कैम का वो क्लेम लग चुका था, उन्होंने बोला था एक्सेप्ट जेकेपीएसआई, सब कुछ फेयर है। खुद एलजी साहब ने ये बोला था और ये उनके खुद की वर्डिंग है, और आज वो लोग खुद कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने वर्ड्स के साथ। बोल रहे हैं कि हमें इंटरनल सोर्स से पता चला कि जो एफए रिक्रूटमेंट है, जिसके लिए हम वेट कर रहे थे कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा, ये स्क्रैप हो जाएगा। मतलब इनको क्या करना था, हम कैंडिडेट्स को, इनको हमारे दो साल ज़ाया करने थे, फिर ये लोग बोल रहे इसमें स्कैम है, तो कोई सॉलिड प्रूफ तो देते ही नहीं है। हम इनको बोल रहे अगर आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो दो दिन में कैसे आप लोग बोल रहे स्क्रैप हो जाएगा। अगर ये कह रहे स्कैम, तो किस चीज़ का स्कैम? वही तो हम बोल रहे, अगर स्कैम है तो सामने लाओ ना, हम क्यों सफ़र करें। अगर स्कैम है तो सॉलिड प्रूफ दो हमारे सामने, हमारे पास तो कोई एक एविडेंस भी नहीं है। और अगर है तो सीबीआई किसके लिए बिठाई गई है? बोल रहे इंक्वायरी करना इतना ईजी नहीं है, फिर ये डिपार्टमेंट किसके लिए है? हम चाहते हैं, हम जस्टिस चाहते हैं एजी साहब से, कि अगर इनको लग रहा स्कैम है तो फिल्टर आउट कीजिए ना, दो तीन महीने ले लो इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। हम इतने पोलाइटली कल से इनको यही बोल रहे हैं कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोग दो तीन महीना ले लो, आप लोग फेयरली इन्वेस्टिगेट कीजिए, लेकिन स्क्रैप मत कीजिए, हमारे साथ खेलो मत। हमने दो साल सबके साथ हमने कट ऑफ किया। मतलब आप ये स्क्रैप का जो बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं ये हमारे साथ इंजस्ट हो रही है। अगर किसी गुनहगार की सजा तो हमें नहीं मिलनी चाहिए ना, ये हमारा ये। हम 2 लाख कैंडिडेट्स अपियर हुए थे इस एग्ज़ाम में, जिसमें 972 पोस्ट्स थे, और हम इस वक्त वही क्वालिफायर्स हैं जो 972 स्टूडेंट्स हैं। और इनके लिए भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है फिल्टर आउट करने में, कि हम इनको बोले हमें ऑन स्पॉट इंक्वायरी करो, इवन इंटरव्यूज़ लो हमारी। इनको क्या मुश्किलात आ रही है इसमें? ये लोग बोले इंक्वायरी डिफ़िकल्ट, फिर इंक्वायरी सिस्टम ही क्यों बिठाई है, सीबीआई सिस्टम क्यों है इधर? बस इतना मैं कह रही हूँ कि एलजी साहब हमारे इसको स्क्रैप मत कीजिए, बल्कि फेयरली इन्वेस्टिगेट कीजिए, बस इतना ही। हम इसके खिलाफ सपोर्ट में नहीं है, स्कैमर्स के सपोर्ट में, बस इतना बोले। एक ही रिक्वेस्ट है, डोंट स्क्रैप द एफआईआई रिक्रूटमेंट, बस फेयरली इन्वेस्टिगेट कीजिए, इतना ही। थैंक यू। आज़िया है, हम यहाँ पे सभी एफए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, हम कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके रिएक्शन में कोई ऑफिशियल यहाँ पे नहीं आया। हम कल यहाँ पे बारिश में थे, हम लड़कियाँ यहाँ पे कल देर रात तक थे, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे सड़क पे बैठने के लिए, हम इंसाफ चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपकी ज़िंदगी पूरी इसके लिए, आप कुछ बनाने के लिए, तो आज जब उन्होंने ऐसा सुना तो कितना? हम सब मेंटल ट्रोमा में है, हमारी फैमिलीज मेंटल ट्रोमा में है। ये खाली 972 कैंडिडेट्स का मसला नहीं है, ये 972 फैमिलीज का मसला है। हम पिछले 2 साल से इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिन रात हमने एक किया है। अगर इनको लगता है इसमें कुछ स्कैम है तो उनको बाहर निकालें, अगर इनको लगता है कुछ गलत हुआ है, हम श्योर नहीं है,
हमें समझ नहीं आता ये कौन से ये पॉलिसी खेल रहे हैं। कल लिस्ट निकालते हैं, रिक्रूटमेंट निकालते हैं, सुबह बोलते हैं स्कैम है। तो अभी आपकी स्ट्राइक जो है, हंगर स्ट्राइक, वो कंटिन्यूअस रहेगी? हाँ, वो कंटिन्यूअस रहेगी तब तक जब तक हमें ऑफिशियली कोई ट्वीट नहीं आ रहा है कि ये जो लिस्ट हमारा है सेफ है। हम यहाँ पे तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा लिस्ट सेफ नहीं किया जाएगा। अगर इनको लगता है कुछ गलत हुआ है इसमें तो उनको बाहर निकाले, लिस्ट को फिल्टर करे, ना कि हम जेन्युइन स्टूडेंट्स को इसकी सजा दे, सफ़र करवाए। ये बोल रहे हैं कुछ इसमें जो टॉपर्स हैं उन्होंने स्कैम किया। यहाँ मेरी सिस्टर एक है, वो यहाँ पे कश्मीर में टॉपर है, वो तो यही पे है, उस पर उससे तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। हमारे भाई यहाँ पे टॉपर्स हैं, उनसे तो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। मेरी एलजी साहब से, इन सब की बिहाफ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए। हम यूथ को एक्सप्लॉयट ना करें, हमारे कैरियर को एक्सप्लॉयट ना करें। हमारी ज़िंदगी का मसला है, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। हमने 2 साल यहाँ पे, मेरे भाई पिछले 10-10 साल से SSB एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। अब जाके फाइनली जब इनकी सिलेक्शन कहीं पे होती है तो अब सुनने को आ रहा है प्रूफ चल रहा है।